नगरी तराना में विद्युत मंडल की लापरवाही के चलते भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया है। सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे एमपीईबी के अधिकारी हेमंत सिंह चौहान, सरकार तो बदली लेकिन सरकार के चापलूस अधिकारी नहीं बदले, इसी कारण के चलते नगर में नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं एक तरफ सरकार लॉकडाउन का पालन करने एवं घरों में रहने की अपील कर रहे हैं, तो दूसरी ओर एमपीईबी के अधिकारी ठेंगा बताते हुए नगर में विद्युत कटौती करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। वहीं बजरंग कॉलोनी के रहवासियों का भारी नुकसान हुआ, वहीं एमपीईबी के अधिकारी नदारद रहे। परेशानी क्या हो रही सर, वो एसीडी जल गई, 10-15 हज़ार की टीवी जल गया, रिपेयर वो जल गया, रिसीवर जल गया सर, परेशान हो रहा है, महीने परेशान हो रहा है सर, पल पल लाइट 5-5 मिनट लाइट जा रही है। आज वैसे दोपहर 2 बजे से लाइट बंद है, 2 बजे से लाइट गई है, 10 बजने वाले हैं, अभी तक लाइट नहीं आई। और जिस बार भी लाइट आई, बीच में 2-3 झपकी आई, और कई लोगों के टीवी जल गए, फ्रिज जल गई, मेरे यहाँ का कंप्यूटर प्रिंटर जल गया, और ऐसे भी कई और दो पीस करते। आपने आपके यहाँ के जो अधिकारी आए तो उनका अवगत करा तो क्या बोले आपसे? चले गए हो तो अधिकारी को ही नहीं, चले गए हो अपने आप, वो बात करने को तैयार नहीं है। बिल जमा करो, और यहाँ पे भी बोला अभी लाइट चालू हो रही है, देर से चालू होगी या फिर नाइट रुकना पड़ेगा, सुबह चालू होगी, सुबह चालू, ये स्टेटमेंट दे के गए हैं अभी। होटल के घर में करेंट आया तो पहले बिल भरो। भारतीय जनता पार्टी पूर्व पार्षद जी तराना नगर जी, मैं भी रात को 8:56 पे खड़ा हूँ जी, और एक घंटा मेरे को इसके पूर्व आयोग को हो गया जी। जी साहब और एमपीबी के जो भी अधिकारी हैं उनसे नंबर भी चाहा, कोई नंबर देने को तैयार नहीं है। हमने तोड़ फोड़ भी करने के इच्छुक थे, कार्यकर्ताओं को मैंने वापस कर दिया तराना नगर हित में जी। लाइट की व्यवस्था में एमपीबी के अंदर खड़ा हूँ, और कोई भी जवाबदार अधिकारी अभी तक यहाँ उपलब्ध नहीं है। और एक ही बात कही जा रहा है कि हर घंटे में आ रही है, दोपहर 2 बजे से लगभग लाइट गई है। उसके अलावा मैं सर एक बताना चाहूंगा कि आप सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं और सरकार भी आपकी है, और आपकी ही नहीं सुनवाई हो रही तो क्या कहेंगे सर? सुनवाई करा रहे हैं हम, अधिकारी से मिलने आए, अधिकारी वर्तमान में स्पॉट पे सर नहीं। आज की समस्या नहीं, जब से लॉकडाउन, एक तो पूरा देश लॉकडाउन की जैसी बीमारी कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है, और कहीं ना कहीं जो बच्चे है बुजुर्ग है सभी परेशान है इस चीज से। ये समस्या 15 दिन से निकट लगी हुई है, और जो बड़ी डीपी है लगभग 5 जोड़ को मिली भगत से जला दी गई है जी। इसमें डी साहब और सभी मिली भगत हैं, और ये जो पूर्व जो कांग्रेस सरकार थी जी, उसके मिली भगत से इन्होंने पूरा षड्यंत्र रचा हुआ है, जो भाजपा सरकार को बदनाम कर रहा है। सर एक समाचार भी प्रकाशित किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नीचे दिखाने में हेमंत सिंह चौहान, और जब से चार्ज लिया जब से सुर्खियां हो रहे हैं चौहान, उसके अलावा जो यहाँ है अधिकारी जवाबदार वो सब हैं, और कल से अगर कोई तोड़ फोड़ हमारी कोई जवाबदारी नहीं।